माननीय, जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, जब एक नई व्यवस्था बनाने की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कुछ शंकाएं आशंकाएं स्वाभाविक ही है। माता पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आजादी बच्चों को मिलेगी, अगर स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, उनके बच्चों को कैरियर का क्या होगा। प्रोफेसर्स टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे, इस प्रकार का पाठ्यक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा। आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं। ये सवाल इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े ज्यादा है, जैसे इसमें करिकुलम डिजाइन कैसे हो पाएगा, स्थानीय भाषाओं में सिलेबस और कंटेंट कैसे तैयार हो पाएगा, लाइब्रेरीज को लेकर डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट और पढ़ाई को लेकर जो बातें इसमें रखी गई हैं, उन पर कैसे काम होगा। कहीं साधन संसाधन के अभाव में हम अपने लक्ष्यों से चूक तो नहीं जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी अनेक प्रकार के सवाल आप सभी के मन में स्वाभाविक रूप से होंगे। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण भी हैं। हर सवाल के समाधान के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है। राज्यों में भी हर स्टेक होल्डर की पूरी बात, हर राय को, फीडबैक को खुले मन से सुना जा रहा है। आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है। जिस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी का विजन लेकर के ये पॉलिसी आई है, उसी प्रकार मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी को भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी दिखानी होगी। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है, और इसीलिए 30 साल के बाद, बीच में कई सरकारें आई, 30 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि ये सरकारों के बंधनों में बंधी हुई नहीं है, ये देश के एस्पिरेशन से जुड़ी हुई है।